कक्षा नवी के सभी विद्यार्थी लो जी आपका एकदम असली वाला पेपर। जी हाँ, आपके ही जिले के अंतर्गत जो पेपर आएगा वही प्रश्न पत्र आज अपन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बार बार बच्चों की कमेंट आ रही थी कि आप संस्कृत में हमें थोड़ा सा कम आता है, आप असली चीज बताओ जो कि 100% श्योर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जल्दी से यही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है परीक्षा हाल में। दैत्य प्लस आरी इतस्य संधि अस्थि। दैत्य प्लस आरी में आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? तो बच्चों यहां पर बनेगा दैत्यारी। सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्थि। सूर्योदय को यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो सूर्य धन उदयः, यहां पर इसका संधि विच्छेद होगा। इत्युक्तवः इतस्य संधि भवति। इनको संधि विच्छेद करिए इसका भी, यहां पर तो इति धन उक्तवः। जले मग्नः इतस्य समस्त पदम भवति। जले मग्ना कहा जाएगा जल मग्नः, ठीक है। घनश्यामः इतस्य समस्त विग्रह भवति, तो घनश्यामा में आपका समास विग्रह यदि करोगे तो विग्रह करोगे तो घन एव श्यामः, ठीक है, बादल के समान काला रंग, ठीक है, घनश्याम। अव्ययी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययी भाव इति समासस्य उदाहरणम भवति, तो प्रतिदिनम। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में बहुत ही सिंपल है पास होना, ठीक है। ये जो सही विकल्प रिक्त स्थान में बता रहा हूं इनको कंप्लीट कर लो। निबंध मैंने आपको बता ही दिया है इस वीडियो में, बता दूंगा, और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बता दिया संस्कृत भाषा का, इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा, सेपरेट भी देख लेना, अवकाश में भी कर लेना है। चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट को चेकआउट करिए, बिल्कुल आपको सारी चीजें मिलेगी, 100% श्योर है अच्छे नंबर से पास होंगे। गम प्लस कितिन, गम प्लस कितिन, तो यहां पर जाएगा गति। वी प्लस क्री प्लस ऐसे कौन सा प्रत्यय, इसमें तो लिय प्रत्यय को जोड़ोगे तो विक्रयी आ जाएगा। द्रस प्लस कतुवाहा, द्रस प्लस कस्तुवाहा का मतलब होता है दृष्टवाहा। कवि वाणीम का वाद्यंतु प्रार्थयति, ठीक है, तो यहां पर इसका आपका जाएगा विनाम, क्या जाएगा विनाम, एकदम राइट आ जाएगा। प्रसाद, प्रसाद की दृशा वर्तते, तो प्रसाद स्वर्ण मया, ठीक है, का तंत्र दालु भवति, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका बाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद में आगे आपकी सही जोड़ी बालकेशु, तो बालकेशु में आपका हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। लता नाम, लता नाम में षष्ठी बहुवचन रहेगा। फलानी, फलानी रहेगा आपका प्रथमा बहुवचन। नदीम, नदीम आ जाएगा आपका द्वितीय बहुवचन। और हां का आपका होता है बीतावा कल, और कुत्र का मतलब होता है सत्वा का जाएगा दृष्टवाहा। कवि वाणीम का वाद्ययंतुम प्रार्थयति, तो वीनाम। प्रसादा की दृशा वर्तते स्वर्ण मया। का तंत्र तंत्रालु भवति बालहा, ठीक है, बालकेशु, बालकेशु का आपका आ जाएगा सप्तमी बहुवचन। लता नाम, लता नाम का आपका जाएगा षष्ठी बहुवचन, ठीक है। नदीम, नदी फलानी, फलानी का जाएगा प्रथमा बहुवचन। नदीम जो है आपकी, नदीम का जाएगा आपका द्वितीय बहुवचन। हाम का आपका जाएगा बीता हुआ, हाँ बीता हुआ कल, और कुत्र का अर्थ होता है बेटा कहाँ, कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका एक वाक्य में उत्तर। पठती क्रियापदे का धातु अस्ति, तो पट धातु है इसमें, पठिष्यति में भी पट धातु है, ठीक है, पठता में भी पट धातु है। ये धातु अधातु भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी बेटा एक वीडियो में नहीं बता पाएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे, अपन सारे बार बार उस बात को अपन रिपीट नहीं करेंगे। गम धातु लंग लकार से उत्तम पुरुषा एक वचनम रूपम, तो देखो गम धातु है लट लकार से, तो इसमें आ जाएगा आपका आ डेडेस मा, ठीक है, आ डेडेस मा, और ये बीच में अपनी धातु लिख दो, तो जो गम है ना जब प्रयोग करते तो गच्छे बनता है, तो ये बन गया आपका आ गच्छम, ठीक है। भविष्यति
रूपम कस्य लकारस्य अस्ति, लरट लकारस्य, कौन सा लकार है, लरट लकारस्य। पिबतु इति पदे वचनम किम, पिबतु में कौन सा वचन है, बहुवचनम है। प्रहारा इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, प्रा उपसर्ग है। दुराचारा पदे उपसर्ग किम, दुराचार में आपका कौन सा उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है। अहम दीर्घा कथाम पठामि, अत्र विशेष्य पदम कथाम अस्ति, तो इसका आम आ गया, दूसरे का ना है, तीसरा आम है, चौथा ना, पांचवा ना, और आम अपने को भर देना है। जितने क्वेश्चन आप कवर कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, नहीं भी कर पाते तो आप अटेंड कर, ध्यान से सोल्व करो, मैंने तरीका पहले भी बता दिया चैनल पर, अपलोड है वीडियो, नहीं याद है तो अभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको मिस मत करना, अवकाश रहेगी, निबंध रहेगा, और आपका अपटित ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे वो रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया, इतना हो गया तक, और इसके बाद में ये यहां से रहेगा 12, 13, 14, 15, 16 है, 17 और 18 यहां से, और अपटित ध्यान से जो है, ठीक है, बाकी अपटित ध्यान से उसमें से छाटने के रहेंगे, उनको सबको मैं अपटित ध्यान से ही कहते हैं, तो उनको अपन अच्छे से वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं, और अवकाश और निबंध का वीडियो तो मिस करना ही मत बिल्कुल, ठीक है, उसमें अपन देख लेंगे। चलिए बच्चों, तो ये आपका प्रश्न पत्र था, एक सिंपल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हम किसी के साथ धोखाधड़ी का काम नहीं करते, ठीक है, बोल दूं कि रियल पेपर, अब हर जिले में भाई साहब अलग अलग पेपर, एमपी बोर्ड में मान के चलो किसी जिले में रिपीट आ भी गया तो कम से कम मानो मिनिमम मान के चलो 40 ही जिलों में, ज्यादा नहीं तो 40 ही जिलों में अलग अलग पेपर आए। अब कभी 40 वीडियो में बनो और 40 ही वीडियो के रियल पेपर डालो आपके जिले का, तो आप खुद ही समझदार है यार, है ना, 40 पेपर का याद हो क्या किसी से, नहीं हो तो बेटा मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके का पेपर आएगा, पूरे फंसेंगे इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, ये बदल जाएगा थोड़ा बहुत, पर बाकी चीजें फंसने के चांस पूरे रहेंगे। चले मिलते अगले वीडियो में।